तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज यहाँ हमारे टेरेस गार्डन में आपको भी लगेगा कि इतना मतलब मैं ऐसे वो कर रही हूँ, मैं अंदर जा ही नहीं पा रही हूँ गार्डन के अंदर। मैं बाहर बाहर के थोड़े बहुत काम कर रही हूँ बिकॉज गिर बैठा है। एक तो मैं 2 दिन बाद आई हूँ, डॉक्टर ने कहा कि पूरा सूख जाए उसके बाद ही काम स्टार्ट करना। देखो थोड़ा बहुत सूखने लगा भी दिखा है। जो मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं उन्हें पता है कि बर्न हो गया था ये वाला पार्ट, तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ 1 हफ्ते से। अब जाके थोड़ा बहुत सूखने लगा तो मैंने बोला थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने आई थी कुछ एक काम और अगेन दिक्कत हो गई, ये गिरगिट बैठा है। आपको दिखाती हूँ कहाँ बैठा है, देखना। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया मगर मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि वो गिरगिट भाग ही नहीं रहा। 2 बार भगाने की कोशिश पूरी की मगर वो नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, कुछ एक काम करूँगी, सारी बात आपके साथ में शेयर करूँगी। अंदर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि गिरगिट है एकदम ढीठ बन के बैठा हुआ है, वो नहीं जा रहा, मेरे से तो नहीं जा रहा। ठीक है, और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है क्या करना है। आज काम करने की बहुत इच्छा थी यार, नहीं कर पा रही वो गिरगिट के कारण, ऐसी दिक्कत होती है टेरेस गार्डन पे। ठीक है, फिर भी स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ बातें आपके साथ में शेयर जरूर से करूंगी। देखो दिखाती हूँ आपको गिरगिट कहाँ बैठा है, देखना अभी कहाँ बैठा था। आपको एकदम देखता है यार वो, जो हम मेरी एंट्रेंस होती है ना, मैं जूम कर रही हूँ उसको, आप बने रहना, देखना कि यहाँ बैठा है। ये आपको स्नेक प्लांट दिख रहे हैं क्या, 3 वाइट प्लांटर दिख रहे हैं उस पर, आप इस वाले पे देखोगे ना, ये देखो ये रहा इस तरफ से। मैं जा ही नहीं पा रही अंदर, पहले यहाँ था इस पे, यहाँ बैठा था, अब वो यहाँ चला गया है और यहीं से मेरे ये एंट्रेंस है घुसने की। मैं यहाँ से ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है कहाँ गई, यहाँ से मैं घुसती हूँ। ठीक है, अभी यहीं बैठा है, जा ही नहीं रहा। मैंने बहुत सारे काम कर लिए धीरे धीरे कि अब जाएगा। आधे घंटे से मैं काम कर रही हूँ मगर वो बाहर ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, बाहर के ही काम कर रही हूँ। ठीक है, आई एम सो सॉरी यार कि मैं वीडियोज़ डाल ही नहीं है पा रही हूँ प्रॉपर। एक तो मेरे हाथ में लगी हुई है उसके कारण से, सेकंड ये अब टाइम मिला है थोड़ा बहुत, मैंने बोला कुछ एक काम करती हूँ धीरे धीरे। अभी गिरगिट महाराज आ गए, देखो यहाँ बैठा है, दिखा अब तक आपको शायद क्लियर दिख गया होगा। अब ये देखो मैं पॉइंट करूँगी मेरी उंगली का ये रहा, और जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो ये रहा, पास से दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा गिरगिट है यार ये, काफ़ी बड़ा, भागता ही नहीं है यार। पता ही यहाँ क्यों बैठ रहा है, ये तो धीरे धीरे चल रहा है। अभी यहाँ क्यों बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ इसको बाहर वाले पार्ट पे धूप लग रही है, अंदर वाले पार्ट पे क्या, अब थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ शेड रहता है ना, ये देखो अंदर वाला पार्ट पे, अब बाहर अच्छी धूप रहती है तो थोड़े ये धूप खाने के लिए बाहर की तरफ आए, देखो इसलिए यहाँ बैठा है। यहाँ से जा ही नहीं रहा क्योंकि इसे अच्छी धूप मिल रही है और ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ा बहुत इधर उधर जाए, दूसरे गमले में जाए तो मैं काम करूँ यार। चलो ठीक है, छोड़ते हैं। कितना काम मैंने किया बाहर आके मैं कोई आपको बताती हूँ कौन कौन सा काम कर लिया। देखो यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ मैं गई भी नहीं। ठीक है, और ये मेरा एक बांस है, ये कहाँ से निकला भी आपको बताती हूँ। ये मैंने यहाँ से निकाला है, यहाँ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली इतने इतने पार्ट पे, देखो दिख रहा है, एक बार इसको कम वो करती हूँ। हाँ, यहाँ से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया यहाँ से वहाँ तक का, और यहाँ के सारे रोजेज़ मैंने हटा दिए, जितने भी थे ना यहाँ के रोजेज़ मैंने हटा दिए। रोजेज़ हटा के मैंने वहाँ रख दिए, देखो दिखा आपको, यहाँ की स्पेस मैंने खाली कर ली, यहाँ के रोजेज़ हटा के मैंने वहाँ रख दिए सारे, क्योंकि अब इन रोजेज़ को मेरे को, ये सारे देसी गुलाब है मेरे, ये सारे जितने भी है ना इनमें बर्ड्स वगैरह खूब सारी आ गई, अच्छे से फ्लावरिंग हो चुकी है, अब मैंने यहाँ रख दिए क्योंकि इनको फुल धूप की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मेरे पास दूसरे वाले रोजेज़ के लिए थोड़े से प्लांट इधर उधर करने हैं ना, और विंडर के प्लांट्स वापस लगाने, इसलिए मैंने देसी वाले रोजेज़ यहाँ रख दिए। हाइब्रिड को उनकी जगह रखूंगी, जहाँ ये देसी वाले रोजेज़ रखे थे उनकी जगह मैं हाइब्रिड रखूंगी, और देसी वाले निकाल के मैंने पूरी यहाँ धूप में रख दिए। नई शूट्स आ रही है, बहुत सारे इनमें फ्लावरिंग होकर खत्म हो चुकी है, देखो ये देखो अब नई शूट्स आ रही है, दिख रही है आपको कितनी सारी नई सभी में शूट्स आ रही हैं। तो मैंने देसी वाले जितने भी थे यहाँ रख दिए, और भी हैं देसी मगर वो सही जगह रखे हैं ना, इसलिए मैंने वहाँ से हटाए नहीं, जिन्हें हटाने थे उन्हीं को हटाए हैं, बाकी रहने दिए। यहाँ भी मेरे काफ़ी सारे देसी रखे हुए हैं, रोजेज़ रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें अभी कोई हटाने की ज़रूरत नहीं, इन्हें यहीं रहने देते हैं। ठीक है, तो अब मैं ना इनकी जगह, हाँ ये डंडा क्यों हटाया, वो डंडा दिखाई दे रहा है, उस डंडे को मैं अभी ऊपर करूँगी इस चेयर पर खड़े होकर, वहाँ से इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ कर दूंगी। ठीक है, अभी पहले वो काम कर लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी वो डंडा यहाँ से निकाला, दिख रहा है इस वाले का सपोर्ट था वो, ये जो आपको दिखाई दे रहा पाइप यहाँ से सपोर्ट पे आया था यहाँ, तो मैंने यहाँ का डंडा हटा के, क्योंकि मुझे सारे गमले हटाने और बीच में अटक रहा था। ठीक है, तो मैं सारे रोजेज़ मेरे हटा के, ये हाइब्रिड वाले रोजेज़ हैं, अब इनका थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र देना है, थोड़ी सी केयर करनी है, इसलिए यहाँ रख दिया। ठीक है, इससे पहले इनमें बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही थी ना, तो ब्लूमिंग के समय कुछ काम नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं किया। अब इनकी ब्लूमिंग वगैरह हट के खत्म हो चुकी है, एक तो बर्ड्स आ रही है उसका कोई नहीं, तो इन पर अब मुझे थोड़ा बहुत काम करना है। सबसे पहले ये सारे हटाऊंगी, इनके वीड्स वगैरह थोड़ा बहुत इन्हें क्या बोलते हैं वो करूँगी, डिगिंग करने का मतलब है इनको अच्छे से खोदूंगी, जिससे इसमें अच्छे से इनमें अंदर तक क्या बोलते हैं ऑक्सीजन जाती रहे। ठीक है, सारी मिट्टी में। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपको रोजेज़ दिखाई दे रहे हैं
यहाँ से हटा के यहाँ नीचे रखने हैं मुझे, ठीक है, ये काम करूँगी। और सारे फिर ये जो है ना मेरे डहेलियाज, गुलदाउदी और ये सारे सीड के थ्रू सीड ग्रोन प्लांट है ये जितने भी पीछे बल्ब है वो सारे मैं इस शेल्फ पे ला के रखूँगी, क्योंकि उन्हें अब चाहिए फुल धूप, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं यहाँ, तो इस वाले पे वो वाले प्लांट्स रख दूँगी। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। ये सारे प्लांट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दो रो वाले, ये इस पट्टी पे ला के रखने हैं और इस पट्टी के यहाँ ये नीचे रखने हैं, इतना काम करना है मुझे। चलो ठीक है करती हूँ, उससे पहले वो बाँस अंदर की तरफ कर देती हूँ, बाहर निकलता हुआ बेकार से लग रहा है, ठीक है, जब तक ये क्रिकेट नहीं जाता आज यही काम करूँगी, ठीक है, पहले ये काम कर लेती हूँ फिर आपसे मिलते हैं। और इसके अलावा क्या क्या खिले हैं क्या नहीं खिले हैं वो सारे एक साथ बाद में शेयर करेंगे, होगा तो बाहर बाहर का ओवरव्यू दूंगी, ठीक है, पहले ये वाले काम करके फिर मिलते हैं आपसे। तो देखो ये गिरगिट है ना, मैं ऊपर ऊपर खड़ी हूँ और ये गिरगिट भी ऊपर ऊपर आ रहा है, ये देखो दिखा कहाँ गया, एक से आपको बताती हूँ झाड़ू नीचे रख के कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो ऊपर आ गया, दिखा आपको, ये देखो यहाँ आ गया कहाँ, ये यहाँ इधर देखो कितना बड़ा, ये देखो काम ही नहीं करने दे रहा आज ये मेरे को यार, आज मेरे पास टाइम है और आपको मेरी आवाज़ अलग अलग आ रही होगी, मुंह पे कपड़ा बांध के आई हूँ यार, बहुत तेज़ की धूप आ रही है ना इसलिए आवाज़ भी ऐसी बंदी बंदी आएगी आपको मेरी। इसको मैं ऐसे, हे भगवान, इसको अंदर करके फिर दूसरा काम करेंगे। आई रे, चलो ठीक है करते दूसरा काम, एक बार उसको प्रॉपर तरीके से अंदर रख देती हूँ। तो देखो बहुत तेज की धूप आ रही है इसलिए मुँह पे कपड़ा बांधना पड़ा यार, इतनी तेज की धूप लग रही थी और काफ़ी देर से काम कर रही हूँ ना, थोड़ी सी देर की धूप तो सहन हो जाती है, इससे ज़्यादा धूप सहन नहीं होती, बहुत चुभती है वो धूप। चलो ठीक है अब काम करते हैं, अब क्या करूँगी, अब रोजेज उठा के ये सारे रोजेज उठा के नीचे रख देती हूँ। देखो रोजेज मैंने सारे यहाँ रख दिए, ठीक है, ये सारे के सारे। इसके साथ एक और बात आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 कितने 6 यहाँ रख दिए, 3 वहाँ हैं बाकी के मेरे वहाँ हैं, ठीक है रोजेज। एक और चीज़ अभी वीड्स वगैरह कुछ नहीं हटा रही, इसमें से मैंने सबसे पहले मैन फ्लावर हटा दी, जो फ्लावर मेरे खत्म हो चुके थे वो मैंने हटा दिए, इनमें से अभी नई नई बर्डिंग्स आ रही है वो रही है बस, इस पर दिख रही है आपको, ये देखो नई नई बर्ड्स आ रही है ना ये रहने दिए, ठीक है, क्योंकि जो पुराने जो स्पेंड हुए फ्लावर होते हैं ना वो हटा देने चाहिए हमें, नहीं तो वो एनर्जी लेते हैं। और एक बात, अब एक मेन ज़रूरी बात आपको बतानी ज़रूरी थी तो मुझे लगा ये वीडियो आपके साथ में बता, मतलब ये बात आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। वीड्स वगैरह को इग्नोर कर देना जो मैं अभी नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें हटाने बैठी तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं अभी नहीं हटा रही इन्हें, देखो हटाती भी रह रही हूँ और बोल रही हूँ, जस्ट इसमें से हटा रही हूँ, ठीक है, और इसको इसमें डाल देते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो ये है मेरा हाइब्रिड फ्लावर, हाइब्रिड रोज़, ये है ऑरेंज कलर का, ठीक है, इसमें ऑरेंज कलर के बहुत प्यारे फूल खिलते हैं, जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि इसमें ऑरेंज कलर का बहुत प्यारा सा फूल खिलता है, हाइब्रिड है, ठीक है। अब हाइब्रिड ग्राफ्टिंग करके बनाए जाते हैं, ग्राफ्टिंग कहाँ से हो रखी है आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखो, ये देखो आपको दिख रहा है, यहाँ से ग्राफ्टिंग हुई हुई है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि ये नीचे वाली ब्रांच जंगली होती है, जंगली होती है और इसके ऊपर उगता है यहाँ से, यहाँ से ग्राफ्टिंग करके क्या बोलते हैं जो हमारा वो तो है ना हाइब्रिड वाला वो लगा दिया रहता है, उसको जॉइंट करके बनाया जाता है, तब जाके ग्राफ्टिंग हो जाती है इसकी और उसमें से फिर फूल खिलता है, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ ग्रो किया जाता है जंगली ब्रांच के ऊपर, किसी भी जंगली रोज के ऊपर इसको लगा दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी हो गई ग्राफ्टिंग, ये देखो नोड एरिया आपको दिख रहा है, ऐसा बहुत मोटा सा पार्ट, यहाँ से इसको ऐसे चिपका के किसी से भी बांध के कैसे भी इसको ग्राफ्ट मतलब बनाया जाता है। अब इसके नीचे का एरिया, ये जो गांठ है इसके नीचे का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है। अब ये इस गांठ वाले पार्ट के ऊपर वाला पार्ट तो ग्राफ्टिंग फ्लावर, ग्राफ्टेड फ्लावर का होता है, मतलब जिसमें अच्छे अच्छे हमको रोजेस मिलते हैं, जैसे इस ये ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज कलर के, मगर इससे जो नीचे होता है जहाँ से ये गांठ वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसके अगर नीचे कोई भी ब्रांच होगी वो ब्रांच है ये रही, दिख रही है आपको ये रही, तो ये होता है सकर ब्रांच, जो कि बहुत जल्दी बढ़ती है और इसे आपको ये देखो मेरा ये भी दिख रही है, देखो इसको आपको निकाल देना होता है, ठीक है। अभी मेरे पास कटर नहीं है, कटर अंदर है और अभी मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, इसको आप निकाल दो क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, तेज़ी से ग्रोथ मतलब जैसे आपको अभी ये दिखाई दे रही है ना इतनी सी, ये कल तक आके देखूंगी ना तो इसकी डबल ट्रिपल हो जाएगी, इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है और सारी एनर्जी, जैसे हम हमारे इसको कुछ भी फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी देंगे ना तो वो सारा फर्टिलाइजर ये सक कर लेती है, सबसे पहले ये आती है ये ले लेती है और हमारे इस मेन प्लांट को नहीं पहुँचने देती है। तो सबसे पहले आपको ये अगर सकर ब्रांच इस तरीके से हाइब्रिड वाले में दिखे तो निकाल देनी चाहिए, ठीक है। देसी वाले में भी होती है सकर ब्रांच, आप नोटिस करेंगे सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना वो होता है उसका सकर का, मगर उसमें कम होती है, हाइब्रिड में ही ज़्यादा होती है क्योंकि ये ग्राफ्टिंग करके बनाया जाता है। तो इस बात का
ध्यान रखो, अगर आपको गांठ वाले पार्ट से जहाँ से जॉइंट है उसके नीचे आपको कोई ब्रांच दिखाई दे तो उसी समय उसको हटा दो, नहीं तो हमारे पौधे की वो एनर्जी लेती है और उससे हमारे पौधे में ग्रोथ कम होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, खासकर रोजेस में। इस तरीके से ये हो गया, वो गिरगिट देख लें गया, तो मैं अंदर जाऊँ यार काम करने, देख नहीं वो वहाँ के वहीं बैठा है महाराजा, तो अड़ गया है ये। देखो चार बार कोशिश कर ली चला जाए तो मैं अंदर जाऊँ, चला जाए तो मैं अंदर जाऊँ, कहाँ गया ये यहीं जमा हुआ है। ठीक है, जंप करता है, छिपकली होती है ना वही जगह बैठी रहती है आराम से शांति से, मगर ये है ना उछल कूद करता है इसलिए इसका डर रहता है। ठीक है कोई ना, अब मैं क्या करी हूँ, यह मैंने साफ़ सफाई की थी, ये हटा देती हूँ, इसको मैं अंदर रख देती हूँ, इसका सारा मैंने कचरा कंपोस्ट में डाल दिया। मेरी कंपोस्ट की आपको थैली पता है कि कौन सी होती है, उसमें मैं डालती रहती हूँ कचरा, और बाद में इसको यहाँ भी रख देते हैं। ठीक है, उसमें सारा कचरा गार्डन का कोई वेस्ट में फेंकती नहीं हूँ। अब ये एरिया मेरा खाली हो चुका है, ठीक है, अब कल आके इसके अंदर मैं यहाँ से तो जा ही सकती हूँ ना यार, यहाँ से भी चली आऊँगी अंदर और फिर अंदर जाके काम करके आ जाऊँगी, ऐसा कर लूँ। एक काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि वो गिरगिट तो वहाँ है। ठीक है, मैं यहाँ से अंदर जाती हूँ, यहीं से वहाँ निकल जाऊँगी। ठीक है चलो, ठीक है यहीं से अंदर घुस जाती हूँ, ऐसे घुसने की कोशिश करती हूँ, देखो घुस पा रही हूँ कि नहीं घुस पा रही हूँ। जैसे घुसने की कोशिश की, वो गिरगिट है ना इस साइड पे आ गया, यहाँ इसके पीछे अब कुछ ये दिखाई दे रहा है टर्टल वाइन के पीछे आ गया, तो अब मैं रिस्क नहीं ले रही, अब मैं कल ही करूँगी, शायद वो अपनी जगह चेंज कर ले तो कल आके काम करेंगे, छोड़ देते हैं यहाँ का काम और अभी प्लांट्स रख देते हैं। रोजेस को है ना फुल धूप चाहिए थी, अगर आपके पास भी रोजेज है ना तो उसे फुल धूप दोगे, जितनी अच्छी आपको धूप दोगे उतने अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होगी, क्योंकि फ्लावरिंग वाले हर प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है, तो ये सारे को अच्छे से धूप मिल जाएगी। वहाँ मैंने जो रखे हैं उन्हें भी अच्छे से दिन भर की धूप मिलेगी तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, वहाँ मैंने जो रख दिए। ठीक है, अब एक काम करती हूँ, ये सारे मैंने डिशिफ्ट कर देती हूँ, फिर कुछ एक छोटी मोटी बात आपके साथ में शेयर करेंगे, आई होप कि वो बात आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद हो, कि आप भी उसको यूज़ में लेके उन बातों को समझ के अपने गार्डन में कुछ काम कर पाएँ। ठीक है चलो, ठीक है मिलते हैं इनको शिफ्ट करने के बाद में अंदर। तो बस इस तरीके से मैंने काम कर दिया है, इसके आगे मेरे बोगनविलियास वगैरह वापस रख दिए हैं और पीछे हमारे हो गए रोजेस। ठीक है, आगे रोजेस रहते हैं और इस तरफ इसके आगे रहते हैं हमारे बोगनविलियास। ठीक है, ये सारे रख दिए और हिबिस्कस। अब कुछ एक बातें मैं आपके साथ में शेयर करी हूँ, पहले ओवरव्यू देती हूँ बाहर बाहर का अपने टेरिस गार्डन का और फिर आज किसके बारे में बात करूं यार, बात करने वाला प्लांट तो मेरा अंदर रख गया, जिसके बारे में मैं सोच के आई थी कि आपके साथ में कुछ बातें शेयर करूंगी, वो है क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट मेरा इस सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, अगर आपके पास भी क्रोटन प्लांट है उसकी केयर कैसे करें उस पर मुझे आज वीडियो बनानी थी। चलो छोड़ो, प्लान सारा कैंसिल हो गया, अब दूसरा काम आपके साथ में करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देखे। इस तरीके से आप मेरे टेरिस गार्डन का ओवरव्यू देख सकते हैं, फ्लावर देख सकते हैं कैसे कैसे खिल रहे हैं, देखो इसमें येलो कलर का फ्लावर्स खिल रहे हैं बोगनविलिया में। ठीक है, बोगनविलिया से सबको फुल धूप चाहिए, जितनी धूप मिलेगी उतने अच्छे इसमें फ्लावरिंग होगी। अभी मौसम काफ़ी अच्छा था ना, तो देखो रेन लिली ऑफिस अगेन खिलने लगे, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, उधर जाएँ तो पिंक वाले खिल रहे हैं, बाकी सब बढ़िया चल रहा है इधर। ये देखो ऐसे ये हो जाता है मेरा टेरिस गार्डन। और जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो है मेरा कौन सा प्लांट, रातरानी का प्लांट, बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। रातरानी का प्लांट भी अगर आपके पास हो तो आपने भी नोटिस किया होगा कि साल में दो बार वो फ्लावरिंग करता है। ठीक है, एक होता है उसका गर्मी का सीज़न, ठीक है गर्मी में जब थोड़ा बहुत स्प्रिंग सीज़न आता है ना तब वो अच्छे से फ्लावरिंग करता है, ब्लूमिंग करता है और बहुत अच्छी उसमें खुशबू आती है। और एक होता है ये वाला सीज़न अभी जो हमारा चल रहा है ना, आज है डेट क्या है, आज 6 दिसंबर। ठीक है, तो एक इस समय बहुत अच्छे से वो फ्लावरिंग करता है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ब्लूमिंग उसमें होती है रात को, अभी उसकी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स बस बंद हुई रहती हैं, शाम को बर्ड्स खुलती हैं। देखो ये रहा मेरा रातरानी का प्लांट, इसे भी मैंने रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट करने का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैंने 2 प्लांट रिपोर्ट किए, ठीक है 3 प्लांट रिपोर्ट किए बताती हूँ। एक ये रातरानी वाला जो ग्रो बैग में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, एक मैंने ये जूही का प्लांट जिसे आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है, बहुत दिनों से अच्छे से ब्लूमिंग पे है ये जूही का प्लांट, इसे मैंने रिपोर्ट किया था। ये मेरा 2nd नंबर का ये रातरानी का प्लांट, अभी इसके पास मैं आऊँगी। इसके अलावा मैंने रिपोर्ट किया था एक मेरा ये वाला प्लांट, किसका, हिबिस्कस का प्लांट, ये बड़े ग्रो बैग में, ठीक है ये भी बहुत अच्छे, इसमें नई शूट्स वगैरह सब आ रही है। हुआ क्या था, इसका प्लांटर टूट गया था, काफ़ी दिन तक इसी में था, अब जाके अच्छे से ग्रो करने लगा और उसमें नई नई शूट्स आ रही है, अगर आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये देखो उसमें हर जगह से नई नई शूट्स आ रही है। तो रिपोर्टिंग करने के बाद में हर प्लांट अच्छे से ग्रो करने लग जाता है, अगर उसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो आप उसे रिपोर्ट कर दो एक अच्छा सा सीज़न देख के, वो हो सकता है आपका स्प्रिंग सीज़न हो सकता है और एक ऑटम सीज़न हो सकता है, ये 2 सीज़न में बहुत अच्छे से वो ग्रोथ करता है।
तो मैंने इसे ऑटम सीजन में रिपोर्ट किया था, इन्हें तो स्प्रिंग सीजन में किया था ठीक है, और इसे किया था मैंने ऑटम सीज़न में रिपोर्ट। अब आप इसे ग्रोथ देखिए, मैं रिलैक्स होकर बैठ जाती हूँ, मेरे रातरानी के प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे से हो रही है, बंचेस में इसमें ही खिल रहे हैं देखो। और उनकी खुशबू, खुशबू के बारे में क्या ही बताएं, रातरानी, रात की रानी, जैसे आपको पता है इसका नाम है रात की रानी, इट मीन्स ये रात को खिलती है। अब इसके जो आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये अंदर तक बर्ड्स हैं, ये देखो अगर आप देखोगे तो इसकी बर्डिंग्स अंदर तक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है रात की रानी, मतलब ये रात को खिलते हैं, इसके फ्लावर रात को खिलते हैं और स्मेल, खुशबू भी इसमें रात को आती है, अभी नहीं आएगी इसमें, रात को पूरा टेरेस गार्डन मेरा वहाँ से लेके वहाँ तक खुशबू से भर जाता है। यहाँ जैसे शाम को आके हम वॉक करते हैं ना, बहुत अच्छी से खुशबू आती है। अभी तो मैं थोड़ी सी देर रिलैक्स होकर बैठी हूँ, इसलिए ऊपर से नहीं बता रही, बाकी अंदर तक वहाँ तक इसमें ब्लूमिंग हो रखी है, पूरा ये मेरा प्लांटर भरा हुआ है। इसको मैंने बड़ा ये वाला ग्रो बैग प्रोवाइड करा दिया, कुछ नहीं किया इसका पॉटिंग मिक्स में, तो पॉटिंग मिक्स इसका मैंने वही रहने दिया जो पहले वाला था, बस उसमें मैंने रेशो डाल दिया 50% काउडंग केक पुराना वाला डाल देती हूँ, ऐसा करती हूँ, बाकी पुराने ही पॉटिंग मिक्स में चलने देती हूँ, बस काउडंग केक इसमें पुराना वाला डाल देती हूँ, 50% का रेशो उसमें ऐड कर देती हूँ और ये हमारा अच्छे से ग्रो करने लग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पॉटिंग मिक्स में ये डालो वो डालो, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल जैसे मेरा रहता है रेशो, एक नॉर्मल सा मैं अगर आपको रेशो बताऊँ, अगर आप ज़्यादा मगजमारी में नहीं पड़ना चाहते कि ये नहीं डालना वो नहीं कर डालना, मतलब बहुत दिक्कत आती है इस प्लांट पे, एक नॉर्मल आप रेशियो रखो 25% रिवर्स एंड 25 आधा, मतलब 25% रिवर्स एंड 25% गार्डन सॉइल हो गया आपका, बाकी आप 50% भी पुराना, दो साल पुराना काउडंग केक डाल दोगे ना, और थोड़ा सा उसमें मुट्ठी भर के, जैसे ये मेरा पूरा है ना एक चम्मच भर के, इसमें तो मैंने एक मुट्ठी भर के हल्दी डाली जिससे कोई फंगस वगैरह ना लगे, और अगर आपका इससे छोटा प्लांटर है तो एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दो जिससे फंगस ना लगे आपके प्लांट में, बस काफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता आपके प्लांट को ठीक है, और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सक्यूलेंट के लिए चाहिए होता है आपको रेशो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, उसमें आप रिवर्स एंड का रेशो ज़्यादा डालते हो और इसमें रिवर्स एंड और गार्डन सॉइल का रेशो इक्वल डालते हो दूसरे प्लांट्स में ठीक है, इन वाले प्लांट्स में जो हमारे पेरेनियल प्लांट होते हैं, ये एक तरह से पेरेनियल प्लांट है, पूरा साल ही चलता है, साल में 2-3 बार ही अच्छे से ब्लूमिंग दे देता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ठीक है। इसके फ्लावर्स मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि ये रात को खिलते हैं और रात को ये छत पे अंधेरा रहता है तो नहीं बता पा रही हूँ ठीक है। और उसको मैंने बहुत बार प्रून कर दिया, देखो उसको बांध के रखा है, बांध के नहीं रखूंगी ना तो ये फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए इसको दो तो बड़े प्लांटर में शिफ्ट करो, अगर आप इसे लगाते हो तो बड़े प्लांटर में ही लगाओ, बड़े प्लांटर में जितना ये लगता है ना उतना ये बुशी और खना होता है देखो इस तरीके से। और प्रूनिंग मैं इसके साल में 2 बार कर देती हूँ सीजन आने से पहले, तो ये और इसकी ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगती है और ये और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसमें और भी आ रही है बर्ड्स, नई नई देखो आपको दिखाई दे रही है, ये इधर की तरफ इसमें नई नई भी स्टार्ट हो गई है देखो ठीक है। तो बस यही कुछ एक बातें थी, अगर आप भी रातरानी का प्लांट लगाना चाहते हो तो नर्सरी से इस समय ले आओ, बहुत सस्ती रेट में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है आपको, अंडर ही 50 रुपीज़ का मिल जाएगा, 50 रुपीज़ के अंदर अंदर तक का ये प्लांट मिल जाता है, ला के पहले उसे छोटे प्लांटर में लगाओ, जब वो अच्छे से बढ़ने ग्रो करने लगे तो धीरे धीरे उसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट करो, और जब काफ़ी अच्छे से बड़े ग्रो कर जाए जैसे कि मेरा ये ग्रो कर गया तो फिर मैंने इसे काफ़ी बड़ा प्लांटर दे दिया, आप 3-4 साल इसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी में अच्छे से सर्वाइव करेगा, बाद में इसका रूट बॉल को प्रून करके अच्छे से प्रून करके वापस इसी में लगा दूंगी, तो ये प्रोसेस फिर बाद में चलता रहेगा। तो ये थी रातरानी के बारे में कुछ मेरी बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, वैसे सारा प्लान तो मेरा कैंसिल हो गया मगर थोड़ी बहुत मैंने फिर भी वीडियो पूरी पूरी बनाने की कोशिश की, आपके साथ में कुछ एक बात शेयर करने की कोशिश की है ठीक है। और फर्टिलाइज़र वगैरह की ऐसी कोई नीड नहीं होती, मेरे किचन वेस्ट जितना भी निकलता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र वो देती रहती हूँ और मेरे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, पोहे का पानी, जो भी निकलता है वो मेरे प्लांट्स को मैं डालती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट इतने अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और ग्रो करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे ऊपर जो पिटूनियाज वगैरह ना वो कितने ग्रो किए दिखाते हैं, तो देखो ये मेरे पिटूनियाज वगैरह अच्छे से ग्रो करने लगे हैं, ये सारे इधर ये सारे पिटूनियाज हैं, उधर मेरे वर्बीना है और फ्लॉक्स हैं और पेंजी है, ये मैंने इधर ग्रो किए, और भी लगाने हैं, आज लगाना था यार, आज मेरा हाथ सही हो गया ना, देखो काफ़ी हद तक सही हो गया, अब काम करना है क्योंकि मेरे सीड्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गए, देखो दिखाती हूँ क्रिकेट बैठा बाहर से दिखाती हूँ, सीड भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गए, अभी इन्हें लगाऊंगी, ये देखो दिख रहे हैं आपको सारे सीड्स, ये देखो इधर अच्छे से ग्रो कर गए, इन्हें भी लगाना है मुझे, करूँगी, ये महाराज ने काम बिगाड़ दिया आज क्रिकेट महाराज ने, चलो ठीक है। तो बस यही है मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन जिसे मैं बड़े प्यार से संभाल के रखती हूँ, आप भी अपने टेरेस गार्डन को इस तरह से बना सकते हैं, और कोई वीड्स हो, कोई कचरा वचरा हो वो सब क्लीनिंग वगैरह आपको करनी होती है बार बार ठीक है। तो बस ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आई होप कि आपको छोटी सी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है, ओके बाय।